So good afternoon. Good afternoon, sir. So another day has come to motivate everyone. Okay. So हमारा जो वीडियो दो पार्ट में होते हैं, ये कम लोगों को मालूम है तो बता देता हूँ. संडे को जो हमारा वीडियो अपलोड होता है, हर संडे को, वो गेमिंग का होता है और वेनेसडे को मोटिवेशन का. करेक्ट. सो इस बार भी हम पहले मोटिवेशन का करेंगे जो कि वेनेसडे अपलोड होगा, और गेमिंग का करेंगे सेकेंड पार्ट में जो कि संडे को अपलोड होगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. गुड आफ्टरनून. मैं कुछ अपने बारे में बताना चाह रहा हूँ. जब मैं आया था ना मुंबई, तो मैं कुछ भी नहीं था, मैं ऐसे ही टहलता घूमता था. मुझे जॉब बहुत ही ज़रूरत थी उस समय, कुछ भी नहीं मिल रहा था. फिर सुल्तान सर के पास आया, फिर सुल्तान सर ने भी एक बार मेरा इंटरव्यू लिया. फिर उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था, सपोर्ट भी किया पर्सनल लेवल पर भी जो कुछ था. आज मैं जो भी कुछ हूँ, शायद आज मेरे रिज्यूम पर भी इस कनेक्ट का नाम है, जो शायद आज सुल्तान सर की देन है. जो मैं इस सिस्टम में हूँ, आज जो कुछ भी हूँ ना, मैं सुल्तान सर की वजह से हूँ. मैं पूरे मार्केट में भी यही बोलता हूँ. ऐसा बॉस मिलने वाले नहीं है कभी लाइफ में मुझे. मैंने इतनी जगह काम किया ना, तो मुझे ये चीज़ पता है. सुल्तान सर सबके लिए किए हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई की लेडीज़ कोई जेंट्स नहीं है जो अपने पर्सनल ऑफिस के लिए लेवल में काम किया हो. सर सबके साथ हेल्प किए हैं पर्सनल लेवल पर भी. मेरी स्टोरी का मतलब ये था कि जो कभी रिजेक्शन होने के बाद ना, जो कुछ भी आते हैं, सब लोग गिव अप कर देते हैं, इंटरव्यूज़ नहीं देते, फिर इस लाइन से चले जाते हैं. फिर आज मैं जो भी हूँ, पीछे मुड़ के देखने वाला काम नहीं किया, जो कि मैं आगे, मैं और भी रिजेक्शन हुआ, फिर बाद में मुझे चांस मिला इंटरव्यूज़ के, मैंने क्लियर किया सब कुछ. आज जो भी कुछ हूँ, मैं आप सबके सामने ही हूँ. एक डॉटर और एक फादर थे. डॉटर उसकी बहुत परेशान से रहती थी, उसके पापा को बोलती थी कि एक प्रॉब्लम मेरी लाइफ में जाती नहीं थी, दूसरी आ जाती थी. तो उसके फादर ने एक आइडिया सोचा और बोला कि आओ मेरे साथ किचन में. तो फिर डॉटर बोली ठीक है. पापा बोले तो उसके फादर बोले कि तुम क्या देख सकती. वो बोली पोटैटो, एग्स एंड सम कॉफी बीन्स. सो उसके पापा ने 20 मिनट्स उसको लो फ्लेम में रख दिया गरम होने के लिए. और आफ्टर 20 मिनट्स उसके पापा बोले कि तुम अब क्या देख सकती हो, इसको टच करके बताओ. तो उसके उस डॉटर ने टच किया पोटैटो को, तो वो बोली कि पहले ये हार्ड था और 20 मिनट्स गरम करने के बाद ये सॉफ्ट हो गए एकदम. फिर उसके पापा बोले कि इस एग को छुओ, और वो जब एग को छुई तो वो बाहर से हार्ड था और अंदर से सॉफ्ट हो गए थे. तो उसके पापा बोले अभी कॉफी बीन्स को देखो और बताओ कि तुम क्या देख सकते हो. वो बोली कि पहले ये ब्राउन कलर के थे और गर्म होने के बाद ये उसी को चेंज कर लिए, वाटरी हो गए वैसे. तो उसके पापा बोले ये तीनों एक ही तरह मतलब गर्म किया था 20 मिनट्स, पर इन्होंने अलग अलग मतलब वो दिया है. तो उसके पापा बोले कि ऐसे तुम इनमें से कौन हो. उसकी डॉटर समझी नहीं और थोड़ी मतलब गुस्से में थी. तो उसके पापा बोले कि तुम इनमें से कौन हो, कि तुम बाहर से मतलब कड़ो का, जब तुम्हारी लाइफ में डिफिकल्टीज आती है तो तुम एकदम मतलब ऐसी हो गई हो. तो फिर उसके बाद पापा उसके बोलते हैं कि एग या फिर तुम ये हो, कि बाहर से तुम मतलब पहले जब तुम थी एकदम कड़क, और गर्म करने के बाद बाहर से तुम कड़क और अंदर से एकदम नर्म हो चुकी हो. फिर उसके पापा बोलते या फिर तुम ये कॉफी बीन्स हो, कि पहले तुम वो थी और जब डिफिकल्टीज आई तो तुम उसी को चेंज कर दी. तो उसकी मतलब डॉटर कुछ जवाब नहीं देती है. तो इससे हम लोग को सीखने को मिलता है, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड नेवर गिव अप. एवरीवन गुड आफ्टरनून. हाय, गुड आफ्टरनून. ये जो आज की कहानी है गांव की है, जिधर बहुत सारे मुर्गे लोग रहते हैं. देव मुर्गों में एक राजा रहता है उन लोग का, जैसे गांव में कोई मिनिस्टर रहता है ना, गांव रहता है, वैसा मुर्गों में भी एक राजा रहता है. ये कहानी ना मुर्गे लोगों की है. देन और जब भी भोर होता है, मुर्गे लोग ना चिल्लाते हैं, तभी गांव के लोग सब भोर में उठ जाते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं. तो ऐसे चलता रहता है. कुछ दिनों के बाद गांव के लोग ना मुर्गे लोग को परेशान करने लगते हैं. धीरे धीरे ऐसे चलता रहता है तो मुर्गे लोग तंग आ जाते हैं कि ये लोग गाँव के लोग, हम लोग इनकी हेल्प करते फिर भी ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं. देन मुर्गे लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग हमें परेशान करते हैं, हम लोग कुछ करते हैं, भोर में चिल्लाते ही नहीं हैं, ये लोग कैसे उठ पाएंगे, अपना काम नहीं कर पाएंगे. देन सब लोग मुर्गे लोग डिसाइड करते हैं कि आज भोर में चिल्लाएंगे नहीं, कैसे उठ पाएंगे, लोग काम पे नहीं जाएंगे. तो नेक्स्ट डे भोर में वो लोग नहीं चिल्लाते, फिर भी गाँव वाले सब उठ जाते हैं, अपने अपने काम पर चले जाते हैं. तो मुर्गे लोग को ये एहसास हो जाता है कि किसी के बिना मतलब कोई काम रुकता नहीं है. तो ये
स्टोरी का मोरल है, मतलब किसी के बिना कोई काम नहीं, अपनी हमें बोलते ना घमंड नहीं करना चाहिए, किसी के बिना कुछ काम नहीं रुकता है, सबको मालूम पड़ जाता है क्या हो तुम। दैट्स इज मोरल ऑफ द स्टोरी। ओके चलो।